पतल लग गया पिछवाड़े में। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों फाइनली वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, तो यहाँ पर आना पड़ता है मुझे, आप सबको तो पता है। आजकल तो मैं नदी के किनारे हूँ, तो अभी मैं बस ऐसे आया हूँ, तो अभी जाऊँगा सीधा दुकान की तरफ। तो मैं वहाँ से शैम्पू लूँगा और साबुन लूँगा, उसका बाद इस नदी पे डुबकी लगा के नहाऊँगा बिंदास करके, बिल्कुल बच्चा की तरह। अभी चलते हैं दुकान की तरफ, तो मैं साबुन लाना भूल गया और एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लिया, बस ऐसे नहाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? नमसाई। कुछ काम है कहा? बेडिंग छोड़ने जा रहे। ओके। है हेलमेट कहाँ है? हेलमेट चलान होगा? हेलमेट नहीं चाहिए संडे को। चलान चलान पैसा दो, दे देगा। ठीक है, ओके। क्या हाल है भैया? तो साबुन दीजिए हैंडसम होने के लिए। हाँ हाँ, तो नहाना पड़ेगा यहाँ जाने के बाद। वो गैस अभी चलते हैं, इसमें लिया हूँ हैंडसम होने के लिए। तो 70 रुपीज का साबुन लिया हम, पर हार्बल साबुन। फिर उसको बीच में बहुत ही मजा आएगा, और बीच में थोड़ा गहरा है और बहुत खेत भी है। तो बस अभी 1 ग्राम हो गया, अभी स्पेस लगाते हैं। पत्थर है, पत्थर पत्थर। बहुत गहरा भाई, पत्थर पत्थर पत्थर। बहुत स्पीड है यार, पतल लग गया पिछवाड़े में, ओवरहीटिंग का चक्कर में हालत खराब हो गई। ओ माय गॉड, पतल लग गया पिछवाड़े में। अभी चलते हैं। तो वहां पर मेरा साबुन खा देगा, उसमें गाय है भाई के सामने। मेरा साबुन खा देगा, तुम हटो। साबुन में इसमें शैम्पू रख के गया था यहाँ पर। तो ये मेरा लास्ट रहेगा, लास्ट। आप मैं फिर से नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ये ना पिछवाड़ा मेरा अभी दर्द करा, पत्थर लग गया था बहुत ही सुंदर भाई। सो बहुत टाइम हो चुके हैं, अभी जाना पड़ेगा यहाँ से। म्यूजिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक, जोर से कालू म्यूजिक। सो दोस्तों फाइनली तो पहुंच गया हूँ यहाँ पर, और मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो पानी भी बहुत ठंडा था, तो सिला सिला के नहाया, कूद करके नहाया, बहुत ही मस्त लगा। तो और मैं फार्मेसी से दवा भी लेके नहीं आया, क्योंकि मेरा तबीयत को मैं नज़रअंदाज किया था, इसलिए। आ गया फिशरमैन। वाह बढ़िया बढ़िया मछली। किलो कितना? 100, 250 और ये छोटा वाला, ये 200 में मिलता है। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे वो सब्जी कसने के लिए, बैंगन कसेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी मछली लिए हैं, तो घर पे लेके जाएंगे बस। सो मछली भी लिए हैं, अब भी हम लोग को चाहिए सब्जी। यहाँ पर बहुत खरली है, तो और यहाँ पर मजंगा पत्ता का फेर भी बहुत है, संतरा का फेर भी बहुत है,
और अमरुद। सो मैं यहाँ से एक तोड़ रहा हूँ, बढ़िया हैंडसम अमरुद, तो इसमें पका हुआ है ये वाला सही, बड़ा वाला। उसमें तो है ना इसको तो बढ़िया स्वाद बहुत मस्त है। सो दोस्तों अभी यहाँ से मिल चुके हैं बैंगन, तो ये फ्री में लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर बैंगन के प्राइस है 10 रुपया पर किलो, तो बहुत ही सस्ता होता है हमारा यहाँ पर बैंगन हो या कुछ भी हो, मिर्ची हो। मिर्ची का रेट अभी चल रहा है 40-50 के आसपास, इतना कुछ चल रहा है मिर्ची की कीमत। तो बढ़िया बढ़िया बैंगन है 10 रुपया। तो गैस इसके साथ ना मैजंगा पत्ता के साथ मिक्स करके बनाने से बहुत ही बढ़िया होते हैं ये वाला चीज को। और यहाँ पर लग रहा है संतरा लग रहा है, बहुत सारे फल है यहाँ पर। तो बस क्या लेके जाए समझ है। और यहाँ पर मैजंगा पत्ता काफी रखते हैं बढ़ा करके। तो यहाँ पर मिल चुके हैं काफी सारे बैंगन, और यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। क्या हाल है, बढ़िया बेचने वाले मछली खरीदा है तू भी? ये बात नहीं करते मछली खरीदा मुन्नो जानो नहीं जानती बोलते है हिंदी। सो हमारे गांव के कुछ लोगों को हिंदी नहीं आता है, तो इसलिए तो समझ में आता है लेकिन बोलने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत फेस करते हैं। यहाँ पर खरीदा है 1 kg। 1 किलो कितना में लिया है? 250। 250। तो हम लोग तो लिया है 200 रुपये में, तो इसको छूना लगा दिया। तो यहाँ पर मछली कुकिंग होगा, तो इसमें कुकिंग करेंगे। और ये है लोकल धनिया पत्ता, और काफ़ी डालेंगे मिर्ची। ये एक्सपर्ट है कुकिंग करने के लिए, लोकल स्टाइल कुकिंग। इतना मिर्ची, वाह इतना मिर्ची, वाह हालत खराब हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा मिर्ची। और यहाँ पर डाल दिया मछली में लोकल धनिया पत्ता, तो कुकिंग हो रहा है तो बाद में निकल के खाएंगे ना। और यहाँ पर बन रहा बैगन की सब्जी, और इसमें मैं धनिया पत्ता डाल दिए हैं। चलो दोस्तों अभी आ चुके हैं दिनारवा, अभी निकाल रही है खाना। मम्मी और प्रियंका जी आ चुके हैं हमारे घर में फिर से, फ्रिंच कर दूंगा कर दो। और पका हुआ सिली, और पिताजी भी खा रहा है खाना फिनिश। खत्म हो गया। और मुझे मिर्ची बहुत ही पसंद है ये, बढ़िया मत। तो दोस्तों अभी जाएंगे सुपारी का पौधा लगाने के लिए, तो 55 से कुछ पौधा बचा है। और पिताजी यहाँ पर इसको खात रहे हैं, घास निकल रहा है इसमें, बहुत दिनों से बारिश हो रही है लगातार। बकरी करने का, बकरी काटने का कभी खाता है बकरी? नहीं खाता है। तो क्यों बोलता है बकरी काटने का? देखता है ना बच्चे लोग कैसे उसका, कसाई लोग, कसाई लोग बॉडी है, सिक्स पैक भी है तो लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। तो अभी चलते हैं सुपारी का पौधा लगाएंगे। सो यहाँ से लेकर जाएंगे कुछ सुपारी का पौधा, और 55 यहाँ से मिलना बाकी है, तो शायद और भी लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी लगाने का लायक हो चुके हैं, तो अब इसको उखाड़ते हैं मिट्टी से। सो इसमें काफ़ी सारे उखाड़ चुके हैं सुपारी का पौधा, और इस बार लगभग 25 फीट के आसपास लेके जाएंगे। तो कल या परसों फिर से यहाँ से कुछ पौधा लेके जाएंगे, तो फ्यूचर के लिए गैस, मैं हमारे लिए और बच्चों के लिए खास। तो हम लोग का तो बच्चे हो जाएंगे पढ़ने का लायक, 2030 में ही हो जाएंगे नर्सरी में, तो 2030 के बाद ही पैसा मिलेगा सुपारी का पौधा, तो ऐसे बड़ा बड़ा हो जाएंगे। सपना देख रहा है गैस, हो गया नहीं? तो गैस अभी मेहनत कर रहा है, एक दिन खुशियाँ जरूर रंग लाएंगे। तो चलो रदी रुको अभी तो संभाल के यार। तो यहाँ से जाने के बाद नहाना पड़ेगा, सबसे पहले इसको फिनिश करके आते हैं।
तो अपना आएंगे। सो यहाँ पर यूट्यूब का मैं इन्वेस्ट करता हूँ इसी में, तो यहाँ पर लगा देंगे सुपारी के पौधा में। रेसिंती इसमें दवाई मारता ना, तो इसका बहुत से पूरा क्लियर हो चुके हैं। सो और बीच बीच में वो नहीं मरा तो उसको मैं दो तीन दिन के बाद तो फिर से लगा देंगे, तो बीच बीच में मतलब हरा भरा है इसलिए इसको फिनिश कर देंगे इसको भी। सो दोस्तों ये लास्ट है, 15-30 कंप्लीट हो गया, 30 पौधा लगाए फ्यूचर के लिए गाइस। या फ्यूचर में एक साल में 1000 रुपया गारंटी। डांसिंग और सुपारी का पौधा भी लगा के खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा लगाया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, बस यही तरफ बाकी है, वो भी परसों लगाएंगे शायद। तो अभी चलते हैं फिलहाल घर के तरफ, नहाना भी है, बहुत ज्यादा गर्म लग रही है। 25 तो पौधा लगाएंगे उसके बाद छुट्टी हो जाएंगे यहाँ से। तो हाथ फिर काफी गंदा हो चुके हैं, अभी यहाँ से जाने को है तो घर की तरफ जाएंगे, उसके बाद नहाएंगे और रिसत में जाएंगे नहाने के लिए। घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर केला फक पके सर रहे, खाने वाला कोई नहीं है। तू खाओगी? मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा नहीं ना केला? बोर हो गया खा के बोर हो गया, नहीं खाएंगी। सो दोस्तों ये था पूरा हुआ केमिकल फ्री है, ये मतलब यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल दवाई नहीं लाया है, पूरा ये सब ऑर्गेनिक है, केमिकल पूरा ऑर्गेनिक है गैस पूरा घर का लोकल। सो हाथ पूरा गंदा हो चुके हैं, बहुत ही गंदा हो चुके हैं सुपर का पौधा लगाते लगाते। और यहाँ पर पिताजी काम कर रहा है, इसको सफाई कर रहा है ताकि आजूबाजू में सांप आना से, ताकि आजूबाजू में सांप आना सके ना, जहर वाला सांप आ जाता है, जहर वाला कोबरा। तो अभी तो हाथ फिर देते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए। अभी जाएंगे नहाने के लिए, पहुँच गया, मेरे बैंक बहुत पतला हो गया। अभी क्यों पतला हो गया? खाना कम खाते हैं ना शाम को, इसलिए हमारे घर से वो स्कूल ना लगभग है 10 किलोमीटर, इतना दूर है। अब डाउन करते करते 20 किलोमीटर पड़ जाते हैं इसको, तो इसलिए पतला हो गया है। सो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं मनोज का रिसोर्ट में, तो अभी इसका अभी तक इसका ओपनिंग नहीं हुआ क्योंकि ये नदी को क्रॉस करना पड़ता है आने के लिए, तो ब्रिज बन रहा है लकड़ी का ब्रिज, तो वो कंप्लीट होने के बाद ये ओपनिंग हो जाएंगे। तो अभी नहाते हैं और कपड़ा भी बहुत सारा लेके हैंड बैग में है और वहाँ पर भी है, थोड़ा जंपिंग कर कर के नहाते हैं, मजा आएगा दोस्तों। और पानी बहुत ही ठंडा है, और प्रियंका जी संस्कारी प्रियंका जी मेरा फैन तो वॉश कर रही है बहुत, हाँ फैन और साथ भी बहुत ही संस्कारी है ये संस्कारी बहु, हर किसी को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है संस्कारी वाइफ। वाह बहुत बहुत धन्यवाद, हर काम में मुझे हेल्प करती है, ऐसा बहु सबको मिले है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। मेरा फैन वॉश कर रहा है और मैं शायद पे बैठा हूँ। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद भाई, और यहाँ पर है आदमी, क्या हाल है? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत गहरा भाई, फिर से अब ये होगा, स्नान करना पड़ेगा। मजा चलो या अरे पत्थर बहुत पिछलता है, पत्थर गहरा है। मैं तो कब से नहा रहा हूँ तो बिना साबुन के साथ, तो अभी साबुन से नहाता हूँ, ये तो नहा चुके और अभी यहाँ पर आ चुका है फोटोशॉप। हाय कैमरामैन, क्या हाल है? बढ़िया। हाय एक्सपोज कर दूंगा, दो लड़की को घुमाते हो डायरेक्ट एक्सपोज हो जाओगे, सिकोन हो जाएगा, सिकोन हाँ चिकोन हो जाएंगे।
तो अभी फिर से नहाते हैं गाइस। सो दोस्तों फाइनली मैं नहा चुका हूँ और ये भी नहा चुके हैं और ये भी नहा चुके हैं। अभी जाएंगे, ये बोले कुछ कपड़ा लेगी दुकान से, तो नदी काफी ठंडा है, टाइम भी काफी हो रहा है, अभी जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं ऐसे जाऊंगा, कपड़ा वपड़ा कुछ में लेके नहीं आया, मैं जैसे आया हूँ वैसे जाऊंगा। कपड़ा बहुत भारी है, मेरा कपड़ा फिर उनका बहुत ही बढ़िया से वॉश कर दिया। सो दोस्तों फाइनली नदी से नहा धो के आ चुके हैं, अभी पूरा रात होने वाला, अभी जाएंगे वीडियो को अपलोड करने के लिए। सो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट।